हाँ बहुत से लोग आज की तारीख में आज कल यजीद की बहुत यजीद की तारीफ भी करते हैं, बहुत बड़ा शायर था। उसकी कोई अहमियत नहीं कि वो कितना बड़ा शायर है, उसके शेर देखिए, जी उसके शेर से उसका अकीदा समझ समझ में आता है। इनकारे गदीर की बात है तो इनकारे गदीर से एक जो बहुत बड़ा नुकसान, एक और जो बहुत बड़ा नुकसान उम्मत को उठाना पड़ा, यजीद जैसे शख्स को खलीफा के उनवान से जो है वो कबूल करना पड़ा, और सिर्फ कबूल ही नहीं किया बल्कि उसकी दिफा भी करने लगे। और जो है वो जबकि हकीकत यह है कि ये शराबखोर था और इसने दोनों हरमों पर हमला किया, और जो है वो इन्हें बाकायदा मक्का और मदीना दोनों हरम पर इसने हमला किया बगैर जो है वो बगैर उसकी तकद्दस की परवाह किए जो है वो मक्का और मदीना को ताराज कर दिया पूरी तरह से। और इसका जो सबसे बड़ा गुनाह था वो ये था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि सिबत रसूल थे उनको जो है वो इसने कत्ल करवाया, इस मलून ने कत्ल करवाया। और अफसोस की बात यह है या हैरत की बात यह है कि उम्मत आज तक जो है वो यानी ये उम्मत आज तक जो है वो मुत्तहिद नहीं है कि क्या इस ऐसी शख्सियत पे लानत की जा सकती है या नहीं की जा बिल्कुल सकती। इतना ही नहीं बल्कि इस एक कदम आगे बढ़कर जो है वो कुछ लोग इनके दरमियान बाकायदा ऐसे पाए जाते हैं जो यजीद के लिए जो है वो जन्नत की तमन्ना करते हैं और अजल इलाही पे तान करते हैं, जी यानी यजीद जैसे शख्स को जो है वो जन्नत में भेजने की तमन्ना। और बहुत सारी हदीसें उनको याद आ जाती है जो जी बनी उमैया ने गढ़ी हुई हदीसें लेके आए यजीद और उसके जैसे लोगों की जो है वो फजीलत के उनवान से, ऐसी हदीसों को जो है ये लोगों के सामने पेश करते हैं यजीद जैसे शख्स के जो है वो जुर्म और उसके क्राइम्स को छुपाने के लिए, जी और सारी हदीसें उनको याद आ जाती है झूठी हदीसें जितनी भी गढ़ी गई थी यजीद और बनी उमैया के जो है वो फजीलत में। हम तो यही दुआ करते हैं कि ये लोग जितने भी जो भी है, जो भी यजीद की दिफा कर रहा है, यजीद जैसों की दिफा कर रहा है, हम यही अल्लाह पर परवरदिगार आलम जब यही दुआ करते हैं कि उनका हश्र भी यजीद और यजीद जैसों के साथ ही किया बेशक जाए। बेशक वो यजीद अभी जैसे कि अब्बास भाई ने बयान फरमाया, अगर आप यजीद का अकीला देखें, यानी जिसको ये लोग खलीफा मानते हैं और जिसने उसे खलीफा के तौर पर अपॉइंट किया, इस यजीद का अकीदा क्या है? खुद उसने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब काफिला जो है लुटा हुआ काफिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले हरम जब शाम लाए गए, उस वक्त यजीद ने अशआर कहे थे। हाँ बहुत से लोग आज की तारीख में आज कल यजीद की बहुत यजीद की तारीफ भी करते हैं, बहुत बड़ा शायर था। उसकी कोई अहमियत नहीं कि वो कितना बड़ा शायर है, उसके शेर देखिए, जी उसके शेर से उसका अकीदा समझ समझ में आता है। उसने अशार पढ़े थे, क्या अशार उसने कहे आप देखिए, तारीख में मिलता है वक़्त-उत-तफ, यहाँ जो मक्तले अबी मिखनाफ के नाम से मशहूर है। यजीद ने उस वक्त क्या अशार कहे कि लअब हाशिमो बिल मुल्क फला, कि बनी हाशिम ने मुल्क और हुकूमत का खेल खेला। खबर उन जा वला वही नजल, ना कोई खबर आई थी ना कोई वही नाजिल हुई। अल्लाह लैता शियाखी बे बद्रिन शहरू जज़ अल खज़राजे मिन वक्त इल असल, इन्हें काश। अब यजीद ये उसी तमन्ना को जाहिर कर रहा है यजीद, जो इब्ने जुबारा वो शख्स था जो जंगे ओहद में जिसने ये शेर कहा था कि लैता अशियाखी बे बद्रिन शहीदू, कि ऐ काश मेरे बद्र के बुजुर्ग होते तो देखते जनाब हमजा अलैहिस्सलाम को जो शहीद किया गया जंगे ओहद में, ठीक है, ये यमना आखिरतिल अकबाद, ये जिगरखोर की औलाद, इन लोगों ने जनाब हमजा को जिस तरह शहीद किया गया था, उसके बाद में ये शख्स था इब्ने जुबारा, उसने ये शेर कहा था। उसने हालांकि एक ही मिसरा कहा था, यजीद ने पूरा उस शेर को मुकम्मल किया। उसने कहा था कि काश बद्र में शहीद होने वाले मेरे बुजुर्ग होते तो देखते हमने आज कैसे बद्र का इंतकाम लिया। उसी बात को यजीद अपने इन अशार में जाहिर कर रहा है कि लैता शियाखी बे बद्रिन शहीदू जज़ अल खज़राजे मिन वक्त इल असद, के काश बद्र मेरे बद्र के बुजुर्ग होते जिनको शहीद किया गया था बद्र में, जंगे बद्र में, और जख्मों से चूर हजरत के गिरिया कुना लोग, वो लोग क्या अगर होते तो वो लोग क्या करते थे, ला अहल्लु वस्तहल्लु फरहा, खुशी से खुशी का इजहार करते, वो लोग खुशी का इजहार करते थे और क्या करते, वला कालू या यजीद ला तुशल, और वो लोग ये कहते थे कि यजीद तेरे हाथ कभी शल ना हो, यजीद तुझ पर कोई मुसीबत ना है, तूने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया है। और फिर यजीद आगे कहता है फजज़ैनाहुम बिबद्रिन मिस्लहा व अक़मना मिस्ल बद्रिन फ़अतदल,
यानी आज हमने बद्र का बद्र के जैसा इंतकाम लिया। बद्र जो पहली जंग थी, सबसे पहली जंग थी, किसका बदला कर्बला में लिया गया, और किसके दरमियान जंग थी? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू सुफियान के दरमियान। ये यजीद का दादा था, मुनकिरों के दरमियान, दुश्मनाने अहले बैत के दरमियान, जो दुश्मनाने दीन थे उनसे जंग लड़ी गई थी, और वही दुश्मनाने दीन तख्त खिलाफत पर बैठा हुआ। ये 2 हिजरी का वाकया जंगे बदर, बदला तो उसका लिया जाता जो कत्ल हुआ है, उसमें कत्ल कौन हुआ था? अबू जहल जी। तो अबू जहल का बदला यजीद ले रहा है, मुसलमानों का खलीफा अबू जहल के खून का इंतकाम ले रहा है। किसी से? नवासे रसूल को कत्ल कर, वो अबू जहल जिस पर कुरान ने लानत की। ऐसे मलऊनों की जो दिफा करे वो खुद मलऊन है, और फिर भी ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो यजीद पर लानत नहीं करते। और फिर आखिर में वो कहता है लस्तु मिन हिंदफा इल्लम अंतकिम मिन बनी अहमद मा कान फाइल, कि अगर मैं इंतकाम न लेता तो मैं वो अहले बदर और अहले खिंदफ में से उनकी नस्ल से ना होता। मैंने जो आज इंतकाम लिया है, जो बनी अहमद का बदला मैंने चुका है। इतनी दुश्मनी, इतना बुग्ज यजीद और यानी खानदान है यजीद को था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से। मुसलमानों को ये गदीर का इनकार करने का नतीजा भुगतना पड़ा कि ऐसे को खलीफा मानना पड़ा।